everyone, it's me, Khushbu. So let's make today pot hanger और उसके साथ साथ जो pots हैं उसका DIY. तो मैंने सबसे पहले as usual हम जो लगाते हैं सबसे starting में जैसो, और ये जैसो मेरे हैंडमेड थे. अगर आपने नहीं देखा कि कैसे बनाते हैं जैसो तो जाके देखो, मैंने रील पोस्ट करा हुआ है. फिर मैं इसमें ऐसे फ्लावर बना रही थी. मेरा सारे पॉट्स का मैंने थीम फ्लावर रखा है, तो मैं सारे पॉट्स में फ्लावर बनाऊंगी, सिर्फ एक पॉट को छोड़कर, ताकि एक थोड़ा सा डिफरेंट लुक आए. तो इसमें मैं फ्लावर बना रही हूँ, पहले डार्क से, फिर आप फिर लाइट कलर से उसमें फ्लावर. कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, मैं इसमें ग्रीन यूज़ कर रही हूँ एंड देन येलो. आप चाहे तो आपका मनपसंद कोई भी कॉन्ट्रास्ट आपको पसंद आता है तो ऐसे यूज़ कर सकते हो. फिर लास्ट में मैं सूखने के बाद बीच में सर्कल सर्कल दे रही थी, ऐसा सूखने के बाद इसका कलर कुछ इस तरीके से हो गया था. फिर लास्ट में हम कभी ना भूलने वाला स्टेप करेंगे, इस पर लगाएंगे हम वार्निश, क्योंकि ये बाहर पर रहने वाला है, धूल मिट्टी पानी सबसे जूझने वाला है, तो इस पर ये लगाना. और ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ना, ये भी मैंने हाथ से बनाया था, तो अपना नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, मैंने पोस्ट करा हुआ है. और उसके बाद मैं ये पुट्टी लगा रही हूँ इसके ऊपर. पुट्टी लगा कर मैं हम इस पर लगाएंगे ग्लास का ये टुकड़े, ये जो मैंने ख़रीदा था, ये बहुत ही आराम से कोई भी मार्केट में बहुत सस्ते में मिल जाएगा आपको. और इसके बाद मैं इसको लाइन बाई लाइन पेस्ट करके अच्छे से बना ली थी. इसके बाद ये जो मैं बनाई थी, जो ये कपड़ों में मिलता है ना, कोई भी साड़ी में मिलता है, उसको ले थोड़ा सा डिफरेंट सा बना रही हूँ ये वाला. इसको मैं पिंक कर रही हूँ फिर से. मेरा जो मन कर रहा था मैं वो कलर यूज़ कर रही थी, और फिर फ्लावर बना दे रही थी बहुत ईजी सा. इसी बात पे मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं बहुत सारे आइडियाज़ लेके आने वाली हूँ. एंड ये अगेन मेरे घर पे फर्निशिंग का काम चल रहा था, तो बचा हुआ जो था उसको मैंने भैया को बोला कि साइड साइड में ये सर्कल सर्कल छेद कर दो एंड मुझे इस शेप में काट के दे दो, ताकि मैं इसको हैंगर बना लूँगी. और फिर मैं इसमें सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ ये जैसो, बहुत ही लाइट जैसो मैंने यूज़ किया था. उसके बाद ये मैंने वुड कलर, मेरे पर वुड टेन तो नहीं था, बट मेरे पास आर्कलिक कलर था, तो मैंने आर्कलिक यूज़ कर लिया. उसके बाद इस पर दे रही हूँ वार्निश, जो कभी नहीं भूलना चाहिए. एंड लास्ट में ये वाला मैंने, एंड मेरा फाइनल लुक कुछ इस तरीके से इतना सुंदर बन के आ रहा था, ऐसा लग ही नहीं रहा था मैंने हाथ से बनाया ये. और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना.